हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडो टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी का एक टॉपिक है वर्णमाला, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए हम आज वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। आज हमारा हिंदी का पहला दिन है। वर्णमाला, सबसे पहले इसमें प्रश्न उठता है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या होती है 33 होती है। ठीक, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, और व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। एक सवाल यहाँ पे है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई हमारा वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। और इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। और इसमें और भी सारे प्रश्न हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है? य, र, ल, व, ठीक है। अब इसमें आपको ल को गायब कर दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ अन्य व्यंजन डाल दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन में कौन नहीं है, तो आपको तो पता चल जाएगा, आप याद कर लेंगे य, ल, व। फिर अगला है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। इसमें जितने भी स्व होते हैं वो आ जाते हैं। एक और भी आ जाता है इसमें, हाँ ठीक है। उष्म व्यंजन कौन कौन होता है? तलाबी सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा, और एक आ जाता है अन्य, हाँ। संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छात्र, छात्र क्या श्र। एक बात बता रहे हैं, अच्छा क में र लग जाए तो इसको क्या पढ़ते हैं? क्र। वैसे ही यहां पे भी है, श है, यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं इसको हम। और इसमें अगर इस प्रकार का कुछ कर दिया जाए, इसमें र कर दिया जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? श्र। तो इसी को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, श्र। अब इसमें दो मिला हुआ रहता है, कैसे मिला हुआ रहेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? पेन चुना है, इरेजर क्यों आ जाए? इरेजर क्यों आ जा रहा है? ज वाई ए, ठीक है। क को हम कैसे लिखते हैं? कैसे क, ठीक, श से श। यहाँ पे इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है।
कलर चेंज कर दे, यहाँ पे हो जाएगा र, ज ज्ञा ज, और यहाँ पे हो जाएगा ज्ञा इया। थोड़ा हिंदी में वर्ड कंफ्यूजन करते हैं, श और श में आता है, इसको हलंत लगा देंगे क्योंकि क कैसे लिखते हैं हम, कुछ इस प्रकार लिखते हैं ना, इसीलिए क प्लस श। ठीक, त्र में क्या होता है, त प्लस र होता है, इया में क्या होता है, ज प्लस इया, इसको क्या पढ़ते हैं, श, श में क्या होता है, श प्लस र, खुद ब खुद पे नाराज चलने लग रहा है। ठीक है, आज हम क्लास यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे यही टॉपिक लेके, आगे हम इसको फिर अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।